ये हो तो कैसे आप लोग? वाइफ ने ये नया स्वेटर खरीद के लिया है जो रेड कलर का है, और क्वींसलैंड में सब लोग बोल रहे हैं कि मैं रेड सपोर्टर हूँ। अब मुझे खुद नहीं पता, मैं स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता ये रेड सपोर्टिंग या ब्लू सपोर्टिंग क्या होता है, मुझे खुद गूगल करना पड़ेगा। ओरिजिनली मैं वीडियोस बना रहा था पुशअप चैलेंज के अवेयरनेस के ऊपर, और मैंने देखा कि उतने व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, 5, 10, 15 व्यूज़। मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए, लेकिन ये पर्पस को डिफीट नहीं कर रहा है कि हाँ भाई लोग अगर वीडियोस देख ही नहीं रहे हैं तो अवेयरनेस जा ही नहीं रही है। वन ऑफ द रीज़न मुझे लगता है क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी है, 14 मिनट 10 मिनट, इतना वीडियोस आजकल कौन देखता है। तो ट्राई करूँगा मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ। मैं ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे लिख के आता है कि भाई मैंने कितने पुशअप्स किए हैं इस साल। इन लोग 25 दिन के साइकिल में ऐसे ग्राफ की तरह इन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2021 में मैंने कितने पुशअप्स किए हैं अब तक, और ये नंबर्स फॉर्मेट में नीचे लिखा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा लिंक है, मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको डोनेट करना है तो आप डोनेट कर सकते हो, लेकिन मैं इस साल फंड रेजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अवेयरनेस फैला रहा हूँ। नेक्स्ट, पहले तो मेरा पैटर्न था कि मैं पढ़ता था कि भाई वो उन लोग क्या लिख के हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता था। तो मैंने सोचा कि भाई इस पैटर्न को चेंज करते हैं, मैं सिर्फ इसका समरी बता देता हूँ ताकि मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो फैले। तो डे 8 में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ बताते रहें कि अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स को कंपेयर करें, मैन और वुमेन, जो एक बेटर वर्ड रहेगा, तो उसमें मैन आर मोस्ट लाइकली टू बी गोइंग फॉर सुसाइड। इसका रीज़न ये है कि डेफिनेटली जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अनुभव करती हैं अपने लाइफ में, लेकिन होता ऐसा है कि मैन उतने ओपन नहीं होते हैं डिस्कस करने के लिए। एक एग्जांपल ये भी था कि जब मैंने ये पहला वीडियो पोस्ट किया था तो एक बहुत ही डिफरेंट नेगेटिव रिव्यू आया था मेरे एक दोस्त रेवंत से कि चूतिया इंसान रहेगा क्या जो डिस्कस करेगा कि भाई सोसाइबिलिटी के लिए वो वनरेबल है। इन अ वे मर्दानगी इफेक्ट होती है, क्या होता है पता नहीं। एक ऐसा मेंटल एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैन ओपन नहीं हैं अपने वनरेबिलिटी या अपनी कमियां डिस्कस करने के लिए, या फिर वो बंदे सोच भी रहे हैं कि हाँ भाई हम सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण लोग कहते हैं कि जो इनका डाटा है 2019 का, वो कहता है कि 209 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं हर महीने ऑस्ट्रेलिया में। वो एक अमाउंट बड़ा है, इस वजह से उस दिन का डिसाइड हुआ कि 209 पुशअप हम लोग करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है वो तो इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट से पता चलेगा कि भाई जब लोग सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, सबसे ज़्यादा ओपन रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट फीमेल्स जाके एडमिट करती हैं कि हाँ भाई उनको है लाइफ में स्ट्रेस और वो सोच रही हैं इसके बारे में, मेंस एडमिट भी नहीं करते हैं, और ये सही बात है क्योंकि वो एक शेम या फिर एक टैग आ जाता है लाइफ में कि ओके क्या मतलब। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये डिस्कस कर रहा था मैं और एक फ्रेंड के साथ, नाम है अंकुल डोगरा, जिसके साथ मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो वो भी कह रहा था कि वो कायर होगा इसलिए उसने सुसाइड कर दिया करके, और हमको उस वक्त उसकी स्टोरी भी नहीं पता थी जब उसने सुसाइड किया। अभी मीडिया ने बहुत लंबा चंबा खींच लिया उसको, लेकिन स्टिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इस तरह से आता है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो इसलिए तुम सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैं अपने खुद के रीजंस कभी और डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो में सिर्फ ये इतना कहते हैं कि मैन ज़्यादा लाइकली हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के, तो इसके लिए एक डिफरेंट ही सोसाइटी का एनवायरमेंट हमको क्रिएट करना होगा जिससे ऐसा ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या अगली ज़िंदगी में, जो पहले आ जाए। चलो बाय बाय।